तो हेलो लंडो, कैसे हो? स्वागत है तुम्हारा एक और नई वीडियो में। जो फोन खराब होने की वजह से जो मेरे प्रीवियस वीडियो का ऑडियो क्वालिटी खराब हुआ है ना, जो मैंने हगा अपने प्रीवियस वीडियो में, मुझको वो रियलाइज हो चुका है। और यार उसकी वजह से मेरे को वीडियो बनाने का भी मन नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था बस यूट्यूब पे अपना सर्वाइवल और नहीं हो सकता। और यार कहीं ना कहीं ये जो यूट्यूब पे बढ़ती हुई बकचोदी ना, ये जो शॉर्ट्स की बकचोदी चल रही है, उसका तो क्या ही कहना, कुछ कह ही नहीं सकते उसके बारे में। किसी भी शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म पे चला जाओ, चाहे ये यूट्यूब का शॉर्ट्स हो या फिर इंस्टाग्राम का रील्स, साला ये बकचोदी रुकती ही नहीं है, कहीं भी नहीं रुक रहा ये बकचोदी और ये क्रिंज। वरना ना ही आज ये बचपन के प्यार जैसा गाना होता, ना इन दोनों के चैनल में इतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स होते, इवन तो ये कुछ नहीं प्रोवाइड करते अपने कंटेंट पे, और ना ही ये पाकिस्तान से आया हुआ गुब्बारा अपने आप को हल्क बुला रहा होता। हाँ लंडो, तुम लोगों ने बिल्कुल सही समझा। आज हम लोग बात करेंगे खान बाबा के बारे में। मतलब यार इनके दिमाग में इतना ज्यादा भूसा भरा हुआ है कि इनको इतना नहीं मालूम कि अगर तुम्हारे देश के फ्लैग का कलर ग्रीन है और तुम में हवा भरा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी हल्क हो। तो यार आज हम लोग निकालेंगे खान बाबा के पेट से हवा। उनको बताना पड़ेगा कि हल्क ऐसा नहीं होता, हल्क ऐसा होता है। तो यार लंडो, बिना तुम्हारा टाइम खाते हुए और मेरा वॉच टाइम बढ़ाते हुए लगाते अपना इंट्रो। लंडो, मैं समझ रहा हूँ कि तुमको घंटा कुछ नहीं समझ आ रहा कि गुब्बारा बाबा आखिर करने की क्या कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं हूँ ना, तुम चिंता क्यों करते हो? मैं समझाऊंगा यार तुमको कि गुब्बारा बाबा करता क्या है। तो बेसिकली इस वीडियो का थंबनेल ये था, ये वीडियो यहाँ एंड नहीं होता, हम पूरा वीडियो देखेंगे और बाबा का गंदी गेंद मारेंगे। और गुब्बारा बाबा मेरी एक बात सुनो, तुम जो मोड़ने या तोड़ने की कोशिश कर रहे हो ना, वो टीन का पेन है, लोहा या स्टील का पेन नहीं है। अगर वो होता ना, तुम्हारी गांड फट जाती। ये जो चूतिया बनाने का कोशिश कर रहे हो ना तुम, ये अपने पाकिस्तान के लोगों के लिए रखो। बाकी देश के लोग इतने समझदार है कि उनको डिफरेंस समझ आए लोहे और टीन के बीच का। भाई ये स्टील का पेन किसी 15-16 साल के लौंडे का दे देना, जिसका वेट मुश्किल से 70-80 केजी हो, वो भी आराम से मोड़ देगा इसको। उसको भी घंटा भर का टाइम नहीं लगेगा इसको ऐसे मोड़ने में। और ये जो गुब्बारा बाबा इतना दम लगा रहा है ना, टट्टी निकल जाएगा। गुब्बारा बाबा मत करो ये सब हरकत। ये आज मैं एक बार फिर इसका चैलेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पिछली बार जो किया था तो उसकी तरह वीडियोस लोगों ने बनाई, लेकिन वो सारे जो थे वो टिन्स थे। मैंने जो किया ये स्टील है, ये देखे स्टील, ये इसका मोटापा ये वो। अरे गुब्बारा बाबा, तुमको कितना बार बताना पड़ेगा कि तुमने जो मोड़ा था ना वो टीन था टीन, और दुनिया जान के जितने लोगों ने ये चैलेंज किया ना, उनका या तो लोहा था या फिर स्टील था। वो तुम्हारे जैसे दिमाग में भूसा लेकर पैदा नहीं होते कि ऑडियंस को बस चूतिया बनाते फिरेंगे। और यार हमारे गुब्बारा बाबा ने अपने इस वीडियो के थंबनेल पे दिया WWE रेसलर ब्रो स्ट्रॉमैन वर्सेस खान बाबा न्यू चैलेंज। वाह बहन, और थंबनेल देख रहे हो तुम, दोनों स्टेडियम के बीच में खड़े हैं। भाई लिटरली बता रहा हूँ, मेरे को एक टाइम के लिए लगने लगा था कि स्ट्रॉमैन लिटरली पाकिस्तान चला गया, वो भी खान बाबा को चैलेंज करने के लिए। लेकिन ना, पाकिस्तान की इतनी औकात थोड़ी ना। स्ट्रॉमैन इंडिया आया था बिग बॉस के सेट पर, खान बाबा ने क्या किया, उस क्लिप को काट के अपने वीडियो पे डाल दिया। बहुत सही खान बाबा, बहुत सही, आई मीन गुब्बारा बाबा। इंडिया वालों, ये तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर, देखो इस वीडियो को। आप लोगों ने ये वीडियो देख ली, ये तुम्हारा कमजोर प्राइम मिनिस्टर है, कमजोर। और ये बात करते हैं पाकिस्तान को बिठाने की। पाकिस्तान तुम सिर्फ मजलूम हो, बेजुलम कर सकते हो कश्मीर में, मजलूम हो, पाकिस्तान की तरफ आग भी नहीं उठा सके, आग भी। तुम क्यों नहीं, क्योंकि तुम लोग कमजोर, क्योंकि तुम लोग गाय का पेशाब पीते हो। तुम्हारे हड्डियों में गाय का पेशाब है, हमारे हड्डियों में दूध है, दूध देखो, ये पठानी आदि पठानी। भाई ठीक है, भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमारा पीएम है ये, हम जानते हैं। और ये सीरीज से गिरा, ये बात भी हम जानते हैं, तुमको बताने की कोई जरूरत नहीं। हमारे पीएम ने सीरीज से गिर के हमारे देश को फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बना डाला। और इनके पीएम का तो क्या ही कहना, साला आतंकवाद से फुर्सत मिले तभी तो कुछ काम करे ना देश के लिए। भाई पाकिस्तान का इकोनॉमी तो बांग्लादेश से भी ज्यादा गिर गया, इवन तो पाकिस्तान बांग्लादेश से पहले आजाद हुआ था। और मोटू, तुम्हारे देश में किसी को कोई काम धंधा नहीं क्या? साला दिन भर कश्मीर कश्मीर करते रहते हो, खुद की देश की इकोनॉमी की गान मराई हुई है, लेकिन हमारे देश संभालेंगे, हमारे कंट्री को देख रहे हैं। अबे चूतियों, काम धंधा कर लो, देश संभाल लो, कुछ कुछ हित में कर लो अपने देश के। और रहा बात गाय का पेशाब पीने का, तो देखो मैं बहुत कड़वा बात बोल सकता हूँ, लेकिन फ्यूचर में ना कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हो सकता है इस चीज को लेकर, इसलिए मैं वो बात बोलूंगा नहीं। और यार जहाँ तक मैं जानता हूँ ना, तुम गाय का पेशाब पियो या गाय का दूध, तुम्हारे हड्डियों में कैल्शियम ही रहेगा। और इस बात के लिए मैं तुमको कुछ नहीं बोलूंगा गुब्बारा बाबा, क्योंकि तुम्हारे वहाँ पे एडुकेशन नहीं, और इस सब चीज को जानने के लिए एडुकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। भाई ये बंदा लिटरली 4 माइक लेके आया, इवन तो इनमें से कोई काम नहीं करता, क्योंकि ये वीडियो फोन से रिकॉर्ड कर रहे हैं। दिखाना जरूरी ना कि हमारे गुब्बारा बाबा के आगे पीछे हर दिन मीडिया रहती है, हर वक्त मीडिया घूमते रहती है। जो हमारे गुब्बारा बाबा करते वो टेलीकास्ट होता है, सूट होता है बहन चोद। और ये वीडियो यहाँ खत्म नहीं होता, अभी हमारे गुब्बारा बाबा अपने हाथों से गाड़ी रोकेंगे, रुक जाओ देख लो। Thank you.
वह गुब्बारा बाबा मान गए तुमको सच्ची में कार रोक डाला वो भी अपने हाथों से, लेकिन गुब्बारा बाबा एक जगह मिस्टेक रह गए, बस एक जगह कि वो जो तुमने कार के चक्का में पानी लगाया ना वो भी टाइल्स के ऊपर ब्रेक मार के चक्का घुमाने का इफेक्ट डाला है ना वो थोड़ा अनरियल रह गया, तो उधर थोड़ा प्रैक्टिस जरूरी है ठीक है। बाकी बात आगा तुमने अच्छा सही है। गुब्बारा बाबा आखिरी बार बोल रहा हूँ कि ये सब हरकतें छोड़ दो वरना किसी दिन भूल चुक फट गए ना तो पूरा पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, फिर जैसे तुम्हारे हरकतें ना पूरी दुनिया में बोलते फिरोगे कि इंडिया ने न्यूक्लियर वार शुरू कर दिया है। भाई ये बात तो जब तक पाकिस्तान के पास ये है ना पाकिस्तान को बम या एक्सप्लोसिव लेने का कोई जरूरत नहीं है, जिस देश में बम ब्लास्ट करवाना है इसको भेज दो बहन, फटेगा पूरा देश तबाह हो जाएगा। और गुब्बारा बाबा एक और बात, या तो तुम्हारे दिमाग में भूसा तुम्हारे पेट में हवा भरा हुआ या फिर तुम्हारे देश की ट्रक इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो तुमसे भी खींच जा रही है। भाई इस वीडियो में ये दो टट्टे हमारे खान बाबा के लिए पानी लाते, लेकिन हमारे खान बाबा का एटीट्यूड उनके गांड में सवार रहा था और वो बोलते नन्ना नन्ना ना मैं बहुत ज्यादा भरा हूँ, मैं बहुत ज्यादा पानी पीता हूँ, और वो उठा लेते पूरा कंटेनर और लगा देते अपने जवान सर, पीते हैं दो घुट बस। अरे गुब्बारा बाबा जब उतना ही पानी पीना था तो गिलास में पी लेते, थोड़ा मैनर तो लगते हैं, बकचोदी करवा लो बस तुम लोगों से। लॉन्डो में भी ये बात तुम नहीं जानते होगे लेकिन हमारे खान बाबा है प्रोफेशनल चोर, और इन्होंने पाकिस्तान के चोर बाजार से ये बेल्ट चोरी करके लाया था ना, ऑनलाइन भी इन्होंने ये नहीं करता था, ऑनलाइन तो बहुत दामी पड़ जाता है, इनको इन्होंने डायरेक्ट चोरी करके लाया वो भी चोर बाजार से, मतलब तुम देख रहे हो डकैत के घर में डकैती करके आते हैं हमारे खान बाबा। और जब तुम वीडियो बनाते हो ना तो लिटरली अपना साइज देख के वीडियो बनाया करो, थोड़ा आस पास से 19-20 भी रखा करो, 18-19-20 तो रखा करो एटलीस्ट, मतलब इस आदमी का तो मैं फूक मारूंगा तो ये कराची से लाहौर फेंका जाएगा। इस वीडियो के ऊपर मैं कुछ रिएक्ट नहीं करना ना ही मैं इस वीडियो के ऊपर कुछ कमेंट पास कर रहा हूँ, बाकी इस वीडियो को देखकर किसी को बुरा लग गया हो स्पेशली पाकिस्तान को बोल रहा हूँ मैं, अगर पाकिस्तान के किसी भी ऑडियंस को बुरा लग गया हो तो घंट मराओ, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। और अगर तुम सोच रहे हो तुम कमेंट सेक्शन में आके हग दोगे तो बेटा सोचना भी नहीं, मैं झोंका के मारूंगा। तो लंडो आज का वीडियो यही एंड करेंगे, इससे ज्यादा बकचोदी ना ही तुम सह सकते हो और ना ही मैं सह सकता हूँ, तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल पर नए सब्सक्राइब करो, लंडो प्लीज कमेंट करके जाना, टिल देन टाटा बाय बाय टेक केयर, मैं चला कुछ ऐसे वीडियो बनाने जिनको मैं गाली दे सकूं या फिर रोस्टिंग कर सकूं, बाय। और अगर तुमने उस रेड बटन को अभी तक ग्रे नहीं किया ना तो सालो माता रानी पाप लगाएगी, बाय। लंडो रुको, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे एक दूसरे चैनल का लिंक दिया, जाओ उस चैनल को चेकआउट करो, चैनल का नाम है हैना फॉर ऑल, अगर तुमको चैनल का वीडियो पसंद आता है तो यार जरूर से जरूर लाइक कर देना वीडियोस को और सब्सक्राइब भी कर देना, और अगर तुम सब्सक्राइब करते हो तो प्लीज उनके किसी भी वीडियो में हार्ट स्पैम कर देना, बाय।